आज की वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग जो है ना अपने YouTube चैनल पर कैसे जो है ना कीवर्ड को लगाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड को लगाने से पहले कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं कि आखिर हमें जो है ना YouTube चैनल पर कीवर्ड लगाना क्यों जरूरी है। आखिर बिना कीवर्ड के भी तो हम लोग वीडियो डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने यूट्यूब चैनल पर कीवर्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और जैसे नए नए क्रिएटर लोग होते हैं ना, तो उन्हें मालूम नहीं होता कि कीवर्ड क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि कीवर्ड लगाना आखिर क्यों जरूरी है हमें नए YouTube चैनल वालों लोगों के लिए। ठीक है, तो हमें YouTube चैनल पर कीवर्ड लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग अपना चैनल को ग्रो करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, तो हमें कीवर्ड सेट करना ही होगा। हमारे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं जब नया नया चैनल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ठीक है व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, वॉच टाइम तो गेन होता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ जो है ना आपको प्रॉफिट होने वाला है जैसे कि आप लोग कीवर्ड सेट करेंगे तो अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आखिर आप लोग जो है ना कीवर्ड को सेट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर और आप लोग जो है ना बहुत ही जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर कि आखिर आप लोग जो है ना कैसे कीवर्ड को सेट करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड को सेट करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपने मोबाइल फ़ोन का जो है ना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा ना, तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है ना, यूट्यूब पर चले जाना है। ठीक है, तो जैसे मैं यूट्यूब पर पहुँच गया, अब पहुँचने के बाद यूट्यूब पर आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको जो है ना अपना क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड साइट पर कर लेना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप मोड साइट पर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, देखिए राइट साइड का ऊपर का कॉर्नर में आपको जो है ना थ्री डॉट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस थ्री डॉट पर सिंपल सा क्लिक करना है आपको। थ्री डॉट पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा ना, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है ना खुलकर आ जाएगा आपके सामने में राइट साइड में, देखिए। ठीक है, आने के बाद आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको जो है ना यह एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्या है ना, डेस्कटॉप साइट। आपको इस बॉक्स पर टिक कर लेना है। ठीक है, अब डेस्कटॉप मोड साइट पर टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है ना, यूट्यूब चैनल जो है ना आपका देखिए थोड़ा जो है ना कंप्यूटर वर्जन पर खुल गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए राइट साइड का जो है ना कॉर्नर में देखिए आपको आपका यूट्यूब चैनल का जो है ना लोगो देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल का लोगो पर सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे आप लोग अपने लोगो पर क्लिक कीजिएगा ना यूट्यूब चैनल का, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन फिर खुल सके आ जाएगा राइट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है देखिए देखने के लिए मिल रहा है तो आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना आपका योर चैनल लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो आपको योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सिंपल सा। जैसे आप लोग अपने योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, करने के बाद आप लोग जो है ना अपने यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे, मतलब होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल। ठीक है, कुछ मेरा यूट्यूब चैनल का जो है ना प्रोफाइल इस तरह का दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है ना, देखिए जो है ना दो बॉक्स दिख रहा है ब्लू कलर में। ठीक है, एक बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है ना, कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ है, और दूसरा बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है, मैनेज वीडियो। देखिए दोनों ब्लू कलर का बॉक्स पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है ना, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना बॉक्स है ना कस्टमाइज चैनल, तो आपको कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सिंपल से। जैसे आप लोग कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कीजिएगा, करने के बाद आप लोग जो है ना रिडायरेक्ट होकर YT स्टूडियो पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब कुछ देर हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए जैसे मेरा YT स्टूडियो खुल रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरा जो है ना YT स्टूडियो खुल गया है। ठीक है, अब खुलने के बाद आपको क्या करना है ना, देखिए राइट साइड का जो है ना कॉर्नर में आपको देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए सॉरी, लेफ्ट साइड का देखिए सबसे नीचे में देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो कुछ इस तरह का जो है ना ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए लेफ्ट साइड में ही जो है ना आपको 5-6 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 300 हो रहा है, लेकिन आपको देखिए नीचे कीजिएगा ना स्क्रॉल, तो आपको देखिए 4-5-6 ऑप्शन जो है ना देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर, तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है ना, देखिए जो है ना चैनल लिखा हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन, तो आपको चैनल पर क्लिक करना है सिंपल सा। जैसे आप लोग चैनल पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने में देखिए राइट साइड में जो कुछ ऑप्शन खुलकर आ गया है। ठीक है, तो राइट साइड का ऑप्शन में क्या लिखा हुआ ना, सबसे पहला है बेसिक इन्फो, सेकंड क्या है एडवांस सेटिंग, और थर्ड क्या है ना फ्यूचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, बेसिक इन्फो पर ही रहना है। ठीक है, और बेसिक इन्फो पर ही जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है धीरे धीरे करके अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। ठीक, देखिए कर रहा करने के बाद देखिए आपको जो है ना कीवर्ड्स का एक ऑप्शन खुलकर आ गया, देखिए देखने के लिए मिल रहा है कीवर्ड्स लिखा हुआ। अब जितना सारे जिस बॉक्स पर जो कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स
मैंने अपने खुद से डाले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना अपने कीवर्ड्स को खुद से डाल के जो है ना अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए और एक कीवर्ड्स जो है ना आप लोग के सामने में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस बॉक्स पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना, इस बॉक्स पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं एक अपना जो है ना एक कीवर्ड्स टैग कर रहा हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स लिख के मैंने छोड़ दिया, कर दिया। देखिए जो है ना मेरा कीवर्ड्स जो है ना लग गया, देखिए माथो टक करके जो है ना मेरा कीवर्ड्स लग गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा बैक कर लेना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको देखिए, जैसे मैंने माथो टक करके जो है ना अभी लगाया एक कीवर्ड, देखिए सबसे नीचे में, उसके बाद देखिए उसी का जस्ट नीचे में देखिए आपको जो है ना कैंसल और सेव का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सेव वाले पर क्लिक कर लेना है, सेव पर, ठीक है। तो मैंने सेव कर लिया, देखिए सेव हो जाएगा। नीचे में देखिए सेटिंग सेव का ऑप्शन भी आ गया, ठीक है, हो गया सेव। तो इस तरह करके आप लोग जो है ना अपने YouTube चैनल पर कीवर्ड सेट करके अपने YouTube चैनल को जो है ना जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ चुका है कि किस तरह आप लोग जो है ना कीवर्ड को सेट करेंगे अपने YouTube चैनल पर।